बीत चुका है और 11 दिन बाद संभल में लॉकडाउन को लेकर क्या असर है ये हम देखने के लिए इस वक्त हम संभल के मुख्य बाजार में मौजूद हैं, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लॉकडाउन की वो तस्वीर है जहां लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो बाजार की वो पूरा तरीके से बाजार की सभी दुकानें बंद हैं, कोई भी आदमी घरों से बाहर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, केवल इक्का दुक्का लोग ही घरों से बाहर निकले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीर स्पष्ट बता रही है कि लॉकडाउन का जो भी पालन है वो यहाँ पर पूरी तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जरूरी सेवा से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं केवल वही बाजार में जो खुली हुई दिखाई दे रही हैं। ये वो मेडिकल स्टोर है जो कि केवल दिनचर्या के हिसाब से जो खोला जाता है, इसका एक टाइम सीमित है, उसके बाद यहाँ पर वो खुलता है और लोग जो जरूरी दवाएं हैं वो लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें अभी उनके सामने आ रही हैं और लॉकडाउन को लेकर क्या क्या परेशानियाँ उनके सामने हैं। क्या नाम है आपका? देश कुमार। किस तरीके की आपके सामने जो समस्याएं अभी रहती हैं? बस समस्याएं तो दवाएं तो पूरी हो चुकी हैं अधिकतर, मगर जो दिक्कत आ रही है अभी डिपो से माल नहीं आ पा रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे, तो हम अगर जितनी दवा मेडिसिन स्टॉक था वो सब खत्म हो गया। अब आगे को लाने के लिए एक दो बार पास बना के अगर हम मुरादाबाद भी जाने लेने गए थे तो मुरादाबाद में भी दवा पूरी हाथ नहीं आ रही, यूँ के पीछे से गाजियाबाद वगैरह से माल C&F से नहीं आ पा रहा। बहुत दिक्कत हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा परेशानी हो जाए। अभी तक फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दवा सब जगह मिल रही है, जितना स्टॉक है सब पर अधिकतर खत्म होने के नंबर पर है। आगे के लिए दिक्कत हो सकती है अगर माल गाजियाबाद वगैरह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चालू नहीं है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो मेडिकल स्टोरों की है कि अभी तक का जो स्टॉक था वो अभी जो है खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अगर बात करें तो जो ऊपर जो माल लेने के लिए जो स्थिति बनती है वहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी तक जो स्टॉक था ऊपर लेवल पर भी जो खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी दिक्कत दवाइयों को लेकर जो है लोगों के सामने खड़ी हो सकती है। अभिनव माथुर के न्यूज़ संभल।